सो हेलो गाइस, आज हम लोग बनाने वाले हैं अपने किचन में पनीर पनीर दो प्याजा। सबसे पहले कढ़ाई में तेल गरम करेंगे, उसके बाद तेल में लहसुन डालेंगे और अदरक डालेंगे, मिर्ची को डालेंगे और प्याज को डालेंगे इसके अंदर और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। प्याज को हल्का सा ब्राउन होने देंगे और तब तक मिक्स करते हैं और काजू भी डालेंगे कढ़ाई में और ये बड़े कटे प्याज बाद में डालने हैं और टमाटर डाल लेंगे कटे हुए, रफली चॉप्ड टमाटर भी डालेंगे। और अब हम लोग के प्याज ब्राउन हो चुके हैं, उसके बाद फिर से इसको मिक्स कर लेंगे। हल्का सा नमक डाल देंगे, हल्का सा नमक डाल देंगे ताकि टमाटर अच्छे से मैश हो। पनीर को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे, ऐसे सारे पनीर को काट लेंगे। ये हो गया है, अब इसको थोड़ी देर के लिए ठंडा कर लेंगे। निकाल लिए हम लोग कढ़ाई में से गाइस, तो अभी हम लोगों ने इसको ठंडा होने के लिए कढ़ाई में से उतार लिया। अब जो हम लोग ठंडा होने के लिए रखे थे उसका पेस्ट बना लेंगे। पेस्ट तैयार हो गया, अब इसको हम लोग कटोरी में निकाल लेंगे। ये पेस्ट हम लोगों ने कटोरी में निकाल लिया। अब उसी सेम कढ़ाई में तेल डालना है। अब तेल को गर्म होने दीजिए अच्छे से। तेल गर्म हो गया, अब हम लोग इसमें जीरा डालेंगे और खड़े मसाले डालेंगे। तेज पत्ता, लौंग, चार लौंग, इलायची, तेज पत्ता सब डालेंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मसाला गर्म हो गया तो अब हम लोग इसमें डालेंगे रेड चिली पाउडर और अब इसमें वो वाला पेस्ट, पिसे हुए मसाले का पेस्ट अब डालेंगे इसमें और अच्छे से मिला लेंगे। मसाले कितने अच्छे लग रहे हैं। अब इसमें हल्दी पाउडर डालेंगे 1 टेबल स्पून। अब इसमें धनिया पाउडर ऐड करेंगे थोड़ा सा। अब इसको तब तक चलाएंगे जब तक मसाले तेल ना छोड़ दें तेज आंच पर। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए मसाले कितने अच्छे से तेल छोड़ रहे हैं। कुछ देर के लिए ऐसे ही मिक्स कर रहे हैं। तो अब इसमें हम प्याज के टुकड़े जो बड़े बड़े करके रखे हैं उसको डालेंगे। अब हम लोग इसमें पनीर ऐड करेंगे। देखिए कितना अच्छा लग रहा है। अब इसमें पानी ऐड कर देंगे, इसको मिक्स कर देंगे। अगर आपको गाढ़ा खाना है तो आप लोग थोड़ा पानी कम ऐड करिए और अगर ग्रेवी वाला खाना है तो ऐड कर सकते हैं। अब नमक ऐड कर लेंगे इसमें 1 टेबल स्पून, थोड़ा कम ऐड करेंगे क्योंकि हम लोगों ने मसाले में भी नमक डाला था। थोड़ा सा पनीर बचा के रखेंगे, जब उतारेंगे कढ़ाई को तब उसमें मैश करके डाल देंगे, तब अच्छा लगता है। अब इसको कुछ देर के लिए ढक के रख देंगे। अब हम इसमें गरम मसाला ऐड करेंगे, जब हम लोग को उतारना होगा उसके 5 मिनट पहले गरम मसाला डालेंगे। हम लोग इसको निकाल लेंगे, इसके ऊपर हम लोग पनीर मैश करके डाल देंगे। बहुत टेस्टी लग रहा। धनिया की पत्ती हम लोग ऊपर से गार्निश करके डाल देंगे जिससे अच्छा दिखे। ये देखिए पनीर के बड़े बड़े प्याज पीसेस। अब बनके तैयार है हम लोगों का पनीर दो प्याजा। सो बाय बाय गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।